एक ही बाइक पर दो दोस्त पानीपत से अपने गांव रजापुर लौट रहे थे। घर नहीं पहुंचे तो स्वजनों ने दोनों की तलाश शुरू की। सुबह इनके शव सड़क किनारे मिले। जी हां, रजापुर का संजय और विजय दोनों दोस्त थे। संजय SR पंप पर काम करता था, विजय मजदूरी करता था। दोनों पड़ोसी थे। रविवार रात 8 बजे दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। इससे पहले इन्होंने स्वजनों को बताया कि जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन रात भर दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और दोनों की तलाश शुरू की गई। रजापुर के पास ही HSIDC की जमीन पर बाइक मिली। पास ही दोनों के शव पड़े हुए थे, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जानकारी देते हुए DCP सतीश वत्स ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगर परिजन हत्या का आरोप लगाते हैं तो पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू करेगी। हमें तो सुबह 9 बजे के करीब पता लगा है, तो ये रिफाइनरी जो ये रिक्वायरमेंट है ना, जी गांव रजापुर की, उसके नाले के ऊपर जो है ना, वहाँ पे हमारे पता लगा। वहाँ गए तो वहाँ दोनों ये स्पेयर मिले। कहाँ के रहने वाले थे ये? गांव रजापुर के रहने वाले। तो क्या काम करते थे ये? पंप पे काम करता था जी संजय। दो की डेथ हुई है? हाँ जी, दो की। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी देखो क्या कहती है, अभी तो कोई हमें तो बताया नहीं कुछ। वो सड़क दुर्घटना का मामला है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी थाना सिविल हॉस्पिटल में पुलिस लगी हुई है कार्रवाई में। सड़क दुर्घटना बताया गया सर, उसमें उसके जो परिजन है वो बता रहे हैं कुछ मर्डर वगैरह का। देखिए, वो अगर वो कंप्लेंट देते हैं हत्या की, तो हत्या की FIR होगी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे।